आज ना निक्की मेरे पास बैठी हुई थी फिर से. शी हैज़ बिकम वेरी नॉटी यू नो. एंड वॉट आई वॉज डूइंग, मैं नारियल से पानी वानी निकाल रही थी इनमें से, और तीन नारियल में से मैंने पानी निकाला एंड इसने मुझे देख लिया. इसको पील करते हुए, गिरी को पील करते हुए, और इसको ना याद था कि एक दिन मैंने इसको आइसक्रीम खिलाई थी कोकोनट की. एंड शी वॉज जस्ट फोर्सिंग मी दैट शी वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, शी वॉन्टेड टू ईट आइसक्रीम टूडे ऑल्सो. सो मैंने इसके लिए आइसक्रीम बनाई है और हम किचन में चलते हैं, दिखाते हैं. ये मोल्ड्स में बनाई है, इसके लिए स्पेशली डिज़ाइनर बनाई है, और ये एक मैंने इसमें भी बनाई है, अपने इसमें भी बनाई है ताकि गेस्ट आए तो उनको भी सर्व हो जाए. और एक मैंने निक्की के लिए इसमें भी बनाई थी, और शी वॉन्ट टू फोर्स मी कि मुझे ये स्टिक चाहिए, लेकिन ये स्टिक में ना ये वाली नहीं बनती है, फिर मुझे ना ये वाली स्टिक लगानी पड़ गई. और ये चम्मच कौन सा आपको पता है, ये चम्मच जिससे हम फ्रूट चाट खाते हैं ना, वो मुझे लगाना पड़ा और मुझे बनानी पड़ी. तो चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं. ये मैंने बनाई थी, अच्छी बनी है. किचन में चलते हैं, देखते हैं कैसे बनती है. और मैंने ना बाहर का कोई सामान नहीं लिया, सब कुछ घर में पड़ा था और मुझे यही यूज़ करना पड़ा. ना मैं घर बाहर से क्रीम लाई, ना मैं अमूल की क्रीम लाई, और मुझे इन्हीं चीज़ों से जल्दी से आइसक्रीम बनानी थी जो मेरे पास घर में था. और मैंने गैस का भी इस्तेमाल नहीं किया इसमें. कई बार बच्चे बहुत ज़िद करते हैं और घर में कुछ लगता है क्या सामान से बनाएं, कैसे बनाएं, क्रीम भी नहीं पड़ी. और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास से थोड़ा मैं फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने, बस फ्रिज से ही निकाला है, कोई हीट अप नहीं करना. ये एक कप मलाई ले ली मैंने, ठीक है. और इसके बाद इसका मैंने स्कूप आउट कर लिया, देखो ये सारी स्कूप आउट कर लिया मैंने इसमें से. कैसे की है मैं इजीली कर लेती हूँ घर में, क्योंकि नारियल आते रहते हैं और कई बार नारियल में इसमें गिरी निकल आती है, और इसको इस करछी एंड चम्मच से वेरी इजीली स्कूप आउट हो जाता है. इसके ये कॉर्नर्स बड़े तेज हैं और पूरा स्कूप आउट हो जाता है, देखो इसी से ही हुआ पड़ा है स्कूप आउट. नारियल बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर बड़ा करो चाकू से, और ये सारा स्कूप आउट कर लिया मैंने. और भी है नारियल, लेकिन उसमें से बेस्ट निकला, इसमें इतना नहीं निकला. फिर जिसमें काफ़ी मोटी गिरी निकल आती है, आई हैव टेकन दैट वन. और उसके बाद क्या हम करेंगे, जल्दी से मैंने छोटा लिया है क्योंकि इसमें ना पीसा बहुत अच्छा जाता है. इसको जल्दी से डाल लो, पीसेस को थोड़े से काट के डाल लो, और जो ज़्यादा नरम वाली है वो पिशक पहले डालो, थोड़ी सी नरम वाली डालोगे जितनी अच्छी बनेगी. और जो बड़े बड़े क्यूब्स हैं वो हम काट के बीच में डालेंगे. ये डाल लो इसको जल्दी से काट के, ठीक है. इसके बाद ना ये नारियल पानी निकला है जो, देखो ये डालो इसमें, इसका फ्लेवर देंगे हम, पूरा नारियल का फ्लेवर देंगे. ये मैंने डाल लिया, जितना लगेगा, ज़्यादा नहीं डालना. और इसको थोड़ा सा दूध डाल लेना, अभी मलाई मत डालो, इसको भी फेंट लो एक बार. इसको मिक्सर में, और आफ्टर मिक्सिंग इन द मिक्सर, देखो ये शेप आ गई इसका, ये आ गया इसका, ये देखो पूरा मिक्सअप हो गया. ये मैं आपको दिखाती हूँ हाथ से, ये देखो आप जितना बनाना चाहते हैं बनाइए, और गिरी बची हुई है तो खाइए उसको, जैसे मर्जी यूज़ करिए. इट इज़ वेरी हेल्दी, दिस गिरी इज़ वेरी वेरी हेल्दी. ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा क्रीमी मिक्सर बन गया. इसके बाद मैं इसमें मलाई डालूँगी डायरेक्टली, नो क्रीम, नथिंग, नो नथिंग एट ऑल. आई एम पुटिंग मलाई जितनी डालनी है अकॉर्डिंग टू योर मिक्सचर. मैंने 2 चम्मच डाली है, और मैंने चीनी डालनी है, वो भी आप कितना खाएंगे मुझे बता देना, मैं उतना ही डालूंगी क्योंकि मैं तो भाई कम डालूंगी. थोड़ा सा 2 चम्मच डाल लेना, एंड लेट अस अगेन मिक्स इट राइट इन द मिक्सी, एंड लेट अस रोटेट इट, एंड इसको मैंने सुबह भी बनाई थी और पानी की ज़रूरत नहीं है, देखो इतना ही चाहिए हमें, देखें. और इसको ना चाहे आप बीटर से बीट लो, लेकिन मिक्सी से एक बार और बीट लीजिए, और इसको एक बार और बीट लो ताकि बीट मिक्सी में कर लो. और इसको अब हमने क्या करना है, इसी को हमने यहाँ तो मोल्ड्स में डालना है, इसमें कोई कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सेंस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि हमने नारियल का ही फ्लेवर देना है, तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. अगर घर में मतलब खोया पड़ा है, नहीं तो अगर तुमने गैस पे बनानी है तो मान लो 1 कप दूध लिया है तो आधा उसको सुखा लेना, खोया बना लेना, खोया भी डलता है. लेकिन मैंने मलाई डायरेक्ट डाली, इसको क्रीमी मैंने कर लिया मिक्सर में करके, और अच्छी जाएगी. एंड देन आई वांट टू शो यू, अगर आप मोल्ड्स में डालना चाहते हैं तो इनको मोल्ड्स में डालिए. जैसे मैंने ये बनाई हुई है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ
ये देखिए इसके साथ ना ये चिपकेगा नहीं, है ना, ज्यादा आइस वाली जो होती है जो बनाते हैं मैंगो की, जिसमें सिर्फ मैंगो लेते हैं वो चिपक जाता है, लेकिन ये नहीं चिपकता। इसलिए क्या करेंगे हम, इस टाइप में हम एक स्पून ले लेंगे। मैं आपको स्पून दिखाती हूँ, ये स्पून होते हैं ना जो फ्रूट में हम यूज करते हैं छोटे वाले, ये अच्छे हैं। या बाजार की स्टिक ले लेना, मेरे पास ये पड़े थे, इनको ऐसे डिप करके, देखो ऐसे डिप कर लेना और इस मिक्सचर को इसमें डाल देना। एक तो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, एक मोल्ड में भर देना, चीनी डाल लेना अपने अनुसार, और फ्लेवरिंग भी इसका अपना नेचुरल फ्लेवर है। और इसमें और पता है क्या करना, थोड़े से पीसेस मैंने काट के लिए थे, ये देखो इसके पीसेस मैंने काट लिए छोटे छोटे माइन्यूट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखे छोटे छोटे काट लेना, ये नारियल पड़ा हुआ इसके छोटे पीसेस काट लो ऐसे, देखो ये देखिए ये पीसेस काट के इसको इसी में डाल लेना पहले, और डालने पर इसके बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा और नेचुरल नारियल का फ्लेवर आएगा। अब इसमें ये थोड़े थोड़े मोटे ना, जब ये जम जाएंगे बर्फ़ में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसको भर लेना, चाहे इसमें भर लो, और नहीं तो आप अगर गेस्ट आ रहे हैं स्कूपिंग करना चाहते हैं, एक तो मैंने इसमें भर के दिखा दिया, अभी ये थोड़ी देर में ना खड़ा हो जाएगा, अभी खड़ा नहीं हो रहा। इसके बाद आपकी इच्छा है, अगर आप मतलब स्कूप से खाना चाहते हैं तो आप इस बाउल में डाल के और रख लो, या इस वाली शेप देनी है, स्क्वायर शेप देनी है तो स्क्वायर वाले में रख लो, डाल लो। और मैं तो बचा हुआ और स्क्वायर में डालने लगी हूँ, जितना बचा है और स्कूपिंग के लिए इसमें डाल देते हैं, ताकि हमारी ये वाली आइसक्रीम भी बन जाए। और मैं आपको बना हुआ भी दिखा देती हूँ, जो मैंने बिल्कुल बनाया था। चीनी का आप देख लेना कितना डालना है, आपने 2 चम्मच 3 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, राइट। वैसे चीनी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब इस तरह इसमें अब आप क्या करना है, इसको ये जो बना है ना हमारा मिक्सर, इसके ऊपर यहाँ तो फॉइल दे देना, या फॉइल दे देना, या क्लिंग है, क्लिंग फॉइल, ये वाली क्लिंग फॉइल निकाल के ये वाली इसमें पुल करो, और इसके ऊपर ये दे देना क्लिंग फॉइल दिस वे। ये देखिए ये हमने दे दी क्लिंग फॉइल अपनी आइसक्रीम के यहाँ पर। अब निक्की इज वेटिंग, लेकिन अभी तो ओवरनाइट रखनी पड़ेगी तब मिलेगी, लेकिन मैंने बना ली थी इसके लिए सुबह ही। देखो ये हो गया ना कवर, और या तो ये फॉइल दे देना, ये दे के हल्का सा इसका कवर दे देना, हल्का सा, राइट। सो दिस वे योर आइस इज नॉट गोइंग टू गो इन साइड द दिस यूटेंसिल। सो मैं ये इसको रखने लगी हूँ फ्रीजर में, और जो बनी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी बनी हुई है उसको हम स्कूप करके, देखिए इसमें स्कूप करेंगे, और ये स्कूपर लेंगे हम इस वे में, इट इज़ वेरी क्रीमी। देखिए ये मैंने बनाई है, इसको स्कूप करके इसमें डालिए, सी इट इज़ सो यमी, वाओ इट इज़ वेरी टेस्टी। सच्ची में बहुत अच्छी बनी है, आप खाएंगे तो आपको भी लगेगा ये बहुत अच्छी बनी है, लगेगा कि आप मेरे पास होते तो मैं आपको टेस्ट कराती, इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। और इसका बिल्कुल घर क्या कहते हैं बाजार से बिल्कुल डिफरेंट है, एवरीथिंग इज़ प्योर, और जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं घर की यूज़ की हैं, मैंने बाहर का कुछ नहीं यूज़ किया, गैस भी नहीं जलाया, तो मैंने आपके लिए जल्दी से आइसक्रीम बना दी, और निक्की वॉज फोर्सिंग मी तो मैंने जल्दी से बना दी। अब आप भी जल्दी जल्दी बनाइए, और अपनी मम्मी को बोलो आपको आइसक्रीम बना के देगी और आपको भी खिलाएगी। एंड यू कैन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट, थैंक यू वेरी मच।